हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धोला पीएचडी से खेतों में पहुंचा पीने का पानी, काश्तकार परेशान। जलदाय विभाग से अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते फालतू बहा पानी किसानों के खेतों में जाने का रास्ता अवरुद्ध। सांडेराव, एक तरफ पीने के लिए पानी को लेकर बड़ी समस्या बनी हुई है, वहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते लाखों लीटर पानी आम रास्तों पर फालतू बहता हुआ लोगों के लिए समस्या पैदा कर रहा है। फोर लेन हाईवे पर स्थित ढोला गांव में जलदाय विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की बढ़ती लापरवाही के चलते बुधवार शाम से गुरुवार दोपहर तक पीने का पानी हाईवे पुलिया के नीचे से खेतों तक पहुँच गया, जिसमें किसानों के खेतों में आने जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। इधर ग्रामीणों की सूचना पर भी बंद नहीं हुआ और बुधवार देर शाम से गुरुवार दोपहर तक पीने का पानी फालतू बहता रहा। मौके पर खड़े काश्तकार कानाराम चौधरी, मोहम्मद हबीब सहित किसानों ने बताया कि यहां जलदाय विभाग कार्यालय में रात को जाकर आवाज लगाई तो भी नहीं सुना, तथा कार्यरत कर्मचारी गणपत सिंह, तेज सिंह व राजेश शर्मा को बताने के बाद भी पानी बंद नहीं हुआ है। एक पखवाड़े पहले भी इसी तरह से ढोला जलदाय विभाग कार्यालय से टंकी भरने के लिए शुरू की गई मोटर बंद नहीं करने से दिन भर सड़कों पर फालतू बहता रहा पानी। मोहम्मद हबीब, ग्रामीण ढोला। आप रखो नाम है मोहम्मद हबीब है मेरा नाम। वाटर वर्क्स वालों को अवगत भी कराया कि पानी व्यस्त जा रहा है, पूरी नाइट हो गई जा रहा है ये पानी, और ना तो ये बंद करते हैं वहाँ से और रात को सो जाते हैं और ड्यूटी ढंग से नहीं कर पाते, और पानी ये व्यस्त हो रहा है और आने जाने के लिए रास्ता है वो बंद हो चुका है। खेतों में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है इस रास्ते के अलावा, और सब लोग पैदल भी नहीं जा सकते, ना कोई जा सकते इधर से वापस, ये पानी पूरा भरा हुआ है। आपका मकान पास में ही है? हाँ, ये मकान मेरे ही है, पास में ही रहता हूँ। इनको अवगत भी कराया दो तीन बार जाके, के भी आए कि भाई ये पानी व्यस्त जा रहा, कोई उठ नहीं रहा, रात को भी हमने कहा इनको, आवाज लगी कोई सुना नहीं हमारी। जागरूक टीवी के लिए सानेराव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।